हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा गुप्ता फ्रॉम मेडिवेल फर्टिलिटी आश्लोक हॉस्पिटल सफदरजंग एनक्लेव। आज हम बात करेंगे व्हाट इज द रीज़न दैट आईवीएफ फेल्स, और आईवीएफ फेलियर के साथ जो हमारा इमोशनल टर्मोइल है, जो हमें मानसिक रूप से तनाव हो जाता है, उसके बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, और साधारण इलाज करने के बाद उनकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, तभी वो एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलते हैं। हमसे मिलने के बाद जो हमें उनकी रिपोर्ट्स को देखकर उनके लिए ट्रीटमेंट ठीक लगता है, हम वो सजेस्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली उसमें आगे बढ़ते हैं। आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी एक आधुनिक इलाज है जो पिछले 25 साल के करीब से करा जा रहा है, एंड उसमें अभी साइंस इस लेवल तक नहीं पहुंची है जहां हम ये बोल पाएं पेशेंट को कि हम 100% प्रेगनेंसी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी का रेट अभी भी आईवीएफ के बाद भी 60% मैक्सिमम 70% तक एक साइकिल में हो सकता है, लेकिन अगर हमारा आईवीएफ एक बार फेल करता है और हम मायूस ना होकर समझकर अपनी परेशानी को देखकर हम दोबारा आईवीएफ के लिए जाते हैं, तो अगर हम 2-3 साइकिल की बात करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 साइकिल्स आईवीएफ का सक्सेस रेट 90% तक पहुंच सकता है। तो आईवीएफ एक बहुत आधुनिक, बहुत अच्छा इलाज है उन पेशेंट्स के लिए जिनमें नॉर्मल प्रेगनेंसी होने में या नेचुरल प्रेगनेंसी होने में परेशानी है। लेकिन जब हमारा आईवीएफ फेल होता है या काम नहीं करता है तो हम बहुत मायूस हो जाते हैं। हम डॉक्टर के पास आते हैं और हमारे दिमाग में कई सवाल होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जब हमने सब अच्छा करा, जो बेस्ट ट्रीटमेंट है प्रेगनेंसी ठहराने के लिए उसको हमने करा, फिर भी हमारी प्रेगनेंसी ऐसा क्यों है कि नहीं आई, और अगर नहीं आई तो हमारे सारे दरवाजे बंद हैं अब और हम आगे इलाज नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है, इसको हमें समझने की कोशिश करनी है। हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, हम 100% आपको रिजल्ट नहीं दे सकते, बट मेडिकल साइंस के द्वारा जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है आपके लिए, अच्छे से अच्छे हॉर्मोन्स यूज़ करना, अच्छे लैब में आपका आईवीएफ करना, बेस्ट एम्ब्रियोलॉजी टीम के साथ आपका इलाज करना, स्पेशलाइज्ड टेलर्ड अप्रोच से जो पेशेंट के लिए ठीक है उस प्रोटोकॉल से इलाज करना, ये सारी चीज़ में ध्यान रखकर ही हम आगे बढ़ते हैं। बट उसके बाद भी हम 100% रिजल्ट नहीं दे पाते। अगर नहीं दे पाते तो हम वापस आएँ, डॉक्टर से पूछें कि उनके सलाह के अकॉर्डिंग क्या कारण है, क्यों नहीं हमारा प्रेगनेंसी सक्सेस हुआ, क्या हमारे अंडे में प्रॉब्लम थी, क्या शुक्राणु में परेशानी थी, क्या या उससे जो बच्चा बन रहा है वो बहुत हेल्दी नहीं था, या तीसरे से पांचवें दिन बहुत अच्छा बढ़ नहीं रहा था, या हमारी बच्चेदानी की झिल्ली में परेशानी थी, या क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारी उम्र बढ़ने से या और लाइफस्टाइल चेंजेस होने की वजह से जो बच्चा बन रहा है वो जेनेटिकली नॉर्मल नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं। तो आईवीएफ फेलियर होने के कई कारण हैं, उनका कई तरीके का सोल्यूशन है। अगर आप अपने डॉक्टर से जाकर बात करेंगे तो वो बिल्कुल आपकी परेशानी को समझकर आपको आगे का इलाज बता पाएंगे। अगर हमारा आईवीएफ एक फेल होता है तो हमें मायूस नहीं होना है। हम भी मायूस होते हैं, आप भी बहुत मायूस होते हैं जब हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। अगर आप हमारे यहाँ आते हैं तो हम भी ये सोचते हैं कि पेशेंट यहाँ आए हैं वो 100% यहाँ से प्रेग्नेंट होकर जाएं, खुशी लेकर जाएं, पर जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें भी उतना ही दुख होता है जितना आपको होता है। उसको हम करेक्ट करने के लिए क्या हम और कोशिश कर सकते हैं, क्या और अलग इलाज कर सकते हैं, किस तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं, इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। अपने दिल दिमाग से जितना हमसे पॉसिबल है हम उतनी पूरी कोशिश करते हैं। हमारी टीम, जो डॉक्टर्स की टीम है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट की टीम है, काउंसलर्स की टीम है, ये सब लोग एक साथ काम करते हैं कि हम आपको अच्छे से अच्छा प्रेगनेंसी का चांस दे पाएं। बट अगर उसमें आपकी एक बार में या दो बार में भी प्रेगनेंसी नहीं आई है तो आई वुड से कि आप मायूस ना हो। आईवीएफ में बहुत
सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मे भी हम शुरुआत से एक साथ लेकर नहीं चल सकते, बट उसको समझते हुए कि अगर पहली बार या दूसरी बार में नहीं हुआ तो हम तीसरी बार में ऐसा क्या करें कि हमें उसमें फेलियर का ना हो, या उसमें और क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए ठीक होंगी। ये सारी चीज़ें आप आएँ हमसे डिस्कस करें, हम आपकी सारी रिपोर्ट्स, एम्ब्रियोलॉजी समरी सब कुछ देखकर आपको बताएंगे, और जो भी आपको ठीक लगेगा वो डिस्कस कर आपस में एक दूसरे से बात कर सही सलाह पर सही नतीजे पर पहुंचेंगे। तो प्लीज़ IVF अगर आपका फेल करता है तो मायूस ना हो, अपने डॉक्टर से जाकर मिलें, अपनी परेशानी समझें, आगे के आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्या तरीके से हम और आपकी मदद कर सकते हैं इसको ज़रूर समझें। अगर आपके पास कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जो आप हमसे मैसेज कर या फ़ोन कर पूछना चाहते हैं, आपके पास हमारे नंबर्स और एड्रेसेस हैं, आप आकर हमसे मिल सकते हैं या अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।